आते हैं मौर्यन आर्ट पर. स्तूपा, एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी वर कैप्ट इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूपा. स्तूपा क्या होता है? एक ओवल शेप बना हुआ कंस्ट्रक्शन है जिसमें जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी जो बॉडी के अवशेष हैं उनको एक बॉक्स में रखा गया है जिसे स्तूपा कहते हैं. देयर आर फाइव फेमस स्तूपास ऑफ किंग अशोका टाइम. पांच फेमस स्तूपास हैं किंग अशोका के जमाने के. स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बेरा, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ देवानी मोरी इन गुजरात. ये पांच स्तूपा हैं. बिसाइड्स चेत्यास, विहार्स एंड बट्स वर कंस्ट्रक्टेड. इसके अलावा चेत्यास, विहार और मठ भी बनाए गए थे. द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड द एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. जिस समय अशोका का राज था उसको एक तरह से गोल्डन पीरियड माना जाता है क्योंकि सब बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत ज़्यादा वेल्थ थी और ख़ास तौर से संपत्ति सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन की थी, जहाँ पर ऐसा युग था जब स्कल्पचर्स बनते थे और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था. बुद्धिस्ट रिलीजन हैज गिफ्टेड केव्स, विहार्स, चेट्स एंड स्तूपास टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. तो बुद्धिस्ट रिलीजन ने जो है आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या क्या योगदान दिया है, केव्स हैं उनके, विहार्स हैं, चेट्स हैं और स्तूपास हैं. सबसे पहले स्तूपा ऑफ सांची. द सांची स्तूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड. मौर्यन पीरियड के दौरान सांची स्तूपा बनवाया गया. इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. ये मध्य प्रदेश में है. द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. जो ओरिजिनल स्तूपा था सांची का वो ईटों का बना है. इट वॉज हाफ इन साइज कम्पेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा. और बिल्कुल आधा था, जितना इस वक्त बना हुआ है उसके मुकाबले आधा था. द बुद्ध स्तूपा इज प्रेशियस टेप स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर. ये जो बुद्ध स्तूपा है ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा कीमती हम स्पेसिमेन मान सकते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर का. स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना मान सकते हैं हम आर्ट जो आर्किटेक्चर की है उसका. लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा. अब स्तूपा में जो जो चीजें हैं उसका आपको मीनिंग बताया गया है. हार्मिका क्या होती है? द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप स्तूपा इज कॉल्ड हार्मिका. ये जो रेलिंग बनी हुई है स्तूपा के चारों तरफ इसको बोलते हैं हार्मिका. मेदी क्या है? एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड स्तूपा इज नोन एज मेदी व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रदक्षिणा. एक बाहर की तरफ निकला हुआ सर्कुलर पाथ है स्तूपा के चारों तरफ, उसे मेदी बोलते हैं. इसके जो है परिक्रमा करने के लिए यूज किया जाता है. प्रदक्षिणा पथ, अ स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ. एक थोड़ा सा बाहर निकला हुआ सर्कुलर पाथ जो टेम्पल के चारों तरफ है या जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसके चारों तरफ है उसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ. प्रदक्षिणा इज डन इन सच अ वे दैट प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑलवेज टू द राइट साइड. प्रदक्षिणा इस तरह से करी जाती है कि जो प्लेस है वर्शिप की वो हमेशा राइट में पड़ती है. तोरण. तोरण मींस अ गेटवे दैट इज बिल्ट ऑन टू हाई पिलर्स विद आर्टिस्टिक हॉरिजॉन्टल बीम ऑन इट. तोरण का मतलब हुआ एक बहुत बड़ा सा गेटवे जो कि दो ऊंचे ऊंचे खंभों पर बनाया जाता है जिसके ऊपर जो दो सीधे खंभे हैं पिलर्स हैं उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक नक्काशीदार बीम रख दी जाती है, उसे तोरण कहते हैं, गेटवे कहते हैं. द डिवोटीज यूज दिस तोरण एज अ एंट्रेंस. और इस तोरण का इस्तेमाल लोग जो है अंदर आने जाने के लिए करते हैं. पिलर इंस्क्रिप्शन. स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक. जो पत्थरों पर खुदाई होती थी, लिखावट करी जाती थी, वो एक सिंगल रॉक से बनी जाती होता था. स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड आउट बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन फॉर ऑन एंग्रेविंग ऑन स्टोन. ये जो पत्थरों पर खुदाई करी गई है, लिखाया गया है, ये बेसिकली जो उस टाइम पे राजा थे अशोका उनके जो भी कुछ रिलीजियस ऑर्डर्स होते थे उसके अनुसार जो है खुदाई करके उन पे गढ़ा जाता था पत्थरों पे. और ये अब तक के बेस्ट नमूने माने गए हैं कि पत्थरों पर लिखा गया है. दे वर पॉलिश सो वेल दैट दे ग्लीम्ड. और वो उनको उसके ऊपर बाद में पॉलिश कर दिया जाता था जिससे वो चमकते थे. सच पिलर्स वर इरेक्टेड इन अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना एंड बोधि वृक्ष नियर बोध गया. यहाँ पर इतने सारी जगह है, यहाँ पर पिलर्स पे जो है अशोका के द्वारा जो रिलीजियस ऑर्डर्स होते थे उनको एनग्रेव किया गया है. देवर कार्बन ब्रह्मी स्क्रिप्ट. उनकी जो लिखावट होती थी वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में होती थी. पिलर्स एट सारनाथ. द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर. अगर जो सारनाथ पर स्टोन इंस्क्रिप्शन है उनको देखा जाए तो वो स्कल्पचर के बेस्ट नमूने माने जाते हैं.
The pillar has four loins facing four directions. चार शेर के इसमें बने हुए जो चारों डायरेक्शन में देख रहे हैं. सारनाथ टीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा धर्म चक्र आर कार्ड बिलो द लाइन इमेजेस. सारनाथ जो कि टीचिंग प्लेस थी लॉर्ड बुद्धा की, धर्म चक्र जो लॉइंस हैं उनके बिल्कुल नीचे बनाया गया है. दिस चक्र इंडिकेट द ट्रायंफ ऑफ रिलीजन. ये जो चक्र है ये दर्शाता है कि जो रिलीजन था, धर्म था, उसकी जीत. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र. इसीलिए इसको धर्म चक्र का नाम दिया गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड अ बुलेट. इसके अलावा इसमें जो और मूर्तियां बनी हुई है वो है एलिफेंट की, हॉर्स की और बुलेट की. दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया. और इसी चक्र को जो है हमारे जो नेशनल फ्लैग है रिपब्लिक इंडिया आजाद भारत का, उसमें जो है क्या कहते हैं लगाया गया है. इमेजेस ऑफ फोर लॉइंस हैव बीन प्लेस्ड एज अवर नेशनल एम्बलम. और ये जो इमेजेस हैं चार लॉइंस की, ये हमारी नेशनल एम्बलम. दिस वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड. और ये जो है अब तक दुनिया की जितनी भी स्कल्पचर्स हैं उसमें सबसे बेस्ट नमूनों में से गिना जाता है. स्टोन इंस्क्रिप्शन. स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ एंग्रेविंग ऑन स्टोन. यानी कि जो भी अशोका द्वारा रिलीजियस ऑर्डर्स होते थे उनको एक पत्थर पर उनको खोद कर लिख दिया जाता था, गढ़ दिया जाता था. और ये जो है सबसे बेस्ट स्पेसिमेंस माने जाते हैं पत्थरों पर लिखावट के. वुडन आर्ट स्टोन स्कल्पचरिंग शोज एन एक्सीलेंट स्पेसिमेंस ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. तो चाहे लकड़ी की कला हो या इस तरह से पत्थर पर लिखावट हो, ये एक्सीलेंट स्पेसिमेंस है आर्किटेक्चर के. अलोंग विद इरेक्शंस ऑफ पिलर्स ऑफ वुड एंड स्टोन ब्यूटीफुल आर्चेस आर एंग्रेव्ड ऑन द डोम. इसके साथ साथ पिलर्स जो है चाहे वो लकड़ी के हो या पत्थर के, वो खड़े हैं, उसके ऊपर जो है आर्चेस बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं डोर्स के. विच स्ट्रेसेस रिलीजियस बिहेवियर, जो रिलीजियस उसको दर्शाते हैं. सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली, जागुड़ा, जोगाड़ा एंड चेन्नई. अब इस तरीके के स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो है हमें बहुत जगह देखने को मिल जाएगी. Such type of stone inscriptions have been found from the foothills of Girnar Mountain on the way to Junagadh in Gujarat. इस तरीके के stone inscriptions हमें मिल जाएंगे जो गिरनार पहाड़ी है वहाँ की अगर foothills यानी कि तलहट से देखें, नीचे से देखें तो जूनागढ़ के रास्ते जो है जाते जाते आपको इस तरह के गुजरात में बहुत सारे stone inscriptions दिखेंगे. Other than this, Palitana Jain temples on Shetrunjaya Mountain in Gujarat, Jain temple of Hathi Sen in Ahmedabad are such stone inscriptions which provide complete information in Sanskrit and Gujarati language. इसके अलावा Palitana Jain temples जो Shatrunjaya Mountain पे हैं गुजरात में, या Jain temple जो Hathi Sen Gaya Ahmedabad में, ये वो stone inscriptions हैं जो हमें पूरी जानकारी देते हैं संस्कृत और गुजराती languages के बारे में. Dravid style of art in South India. Many Buddhist stupas were built in the regions near Krishna and Godavari river during the reign of Satvahan kings. अब जिस समय सतवाहन किंग्स का दौर था उस समय बहुत सारे बुद्ध स्तूपा जो है वो बनाए गए थे कृष्ण और गोदावरी के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे. They were of semi-circle, oval and bell-shaped. अब इनका जो आकार था वो सेमी सर्कल था, ओवल था और बेल के आकार के थे. स्तूपा इन नागार्जुना, कौंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द्रविड स्टाइल ऑफ आर्ट. अब जो स्तूपा नागार्जुना, कौंडा और अमरावती में मिलते हैं ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के. चोला किंग्स अडॉप्टेड द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू अ ग्रेट स्टाइल. जो चोला राज्य था या चोला के जो राजा थे उन्होंने जो है द्रविडियन स्टाइल था आर्किटेक्चर का, उसे काफी हद तक जो है आगे बढ़ाया और अपनाया भी. आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश्ड. अब गुप्ता पीरियड के दौरान आर्किटेक्चर हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सब कुछ खूब फला फूला. पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, घुमारा, शिव टेम्पल, किरण्स, नरसिंह टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूपास, चैत्यास, बट्स, बिहार्स, फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ गुजरात आर्ट. अब ये सब जो है पार्वती टेम्पल जबलपुर, निन्नावा में, घुमारा, नागोड़ा शिव टेम्पल, ईरान्स मध्य प्रदेश में नरसिंह टेम्पल, इसी तरह से गोप मंदिर जामनगर में, स्तूपाज हो गए, चैत्यास हो गए, मठ हैं, विहार हैं, झंडे हो गए, खम्बे हो गए, ये सब यूनिक एग्जाम्पल्स हैं गुप्ता आर्ट के.
Gupta art is known as golden period of art. तो Gupta art जो है वो Gupta period जो है वो golden period माना जाता है art का. Buddha statue at Sarnath, statue of Lord Vishnu at Mathura, statue of Mahavir Swami, caves of Udayagiri and statue of Vishnu in the form of Vara are the best specimens of sculpture of Gupta period. अब Gupta period के time पे जो जो चीजें बनवाई गई वो भी एक तरह से excellent नमूने माने गए हैं, best specimens.